हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, ब्रेक लेने के लिए अब हम निकल जा रहे हैं आज ट्रिप पर। और आज की तारीख है 8, रात के लगभग 8:30 का टाइम है। पूरा दिन की तैयारी और सारा घर का काम समेटने के बाद अब ये पैकिंग वगैरह हो गई है, जो मैंने आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर नहीं की। और आराध्या के शाम को खेलते टाइम लग गई घुटने में चोट काफ़ी तेज़, तो बैंडेड लगाई हुई है। और जी, भगवान जी की लाइट अभी बंद कर दूंगी, देर हो गई आज इन्हें बंद करने में। किचन मैंने पूरी खाली कर दी है, साफ़ कर दी है। और रात को मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी, तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा बना के मैंने डिब्बे में डाल लिया, इन केस रात को जगेंगे सफ़र में तो भूख लगे तो हो जाएगा। बाकी मैंने फ्रिज में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो ख़राब हो जाए, सारे फल सब्ज़ी सब हमने ख़त्म कर दिए। और जी, डेट मैंने आपको भी बताई, 8 जून की है। और हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं जी धर्मशाला और डलहौजी की 3 दिन की ट्रिप पर। तो यहाँ पर हम ऑल सेट हैं, बच्चों ने अपना आइकॉनिक पोज कर दिया है ट्रिप वाला, और हमारी गाड़ी आ गई है। इसके साथ ही हमारी जर्नी हो जाएगी स्टार्ट। मेरठ से ही हमें लेंगे और यहीं वापस छोड़ेंगे। घर से हम लोग लगभग 8:59 यानी कि एग्जैक्ट 9 बजे हम लोग चल दिए थे, और अब बज रहे हैं 12:05 या 12:10 का टाइम था। एक्चुअली इन्होंने ड्राइवर ने डिनर नहीं किया था, तो ये कह रहे थे मैं अकेले खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि आपको खाना खाना खा लो, हम लोग चाय वगैरह ले लेंगे। तो फिर इन्होंने ये रोका जी मेरठ जयपुर हाईवे पर जन्नत हवेली करके, मन्नत हवेली। और बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत ही बड़ा। तो ये तो अंदर खाना खाने के लिए गए, लेकिन अगर आपको कॉफ़ी चाय या स्नैक्स वगैरह कुछ लेना तो उसके लिए बड़े बड़े काउंटर बाहर ही थे। तो वहाँ हम लोगों ने कॉफ़ी का प्लान किया, तो हम लोग बाहर ही थे, अंदर नहीं गए। बाहर का व्यू जो था इतना अच्छा था फाउंटेन वगैरह की वजह से, तो जो कोई आ रहा था फ़ोटो खिंचवा रहा था। इंटीरियर देखो आप, कुर्सी मेज़ें, हर दूसरी चेयर पर अलग तरीके का फर्नीचर। तो यहाँ पर ना टाइम काटना कोई मुश्किल बात नहीं थी। खैर, हमारी कॉफ़ी आ गई इस बीच में और हम लोगों ने कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर ड्राइवर भैया का खाना नहीं निपटा तब तक भी, और काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करते रहे। पहला डेस्टिनेशन था एक तरीके से फ़ोटो, यहाँ से हमारी ऑफिशियली ट्रिप की जो है वो शुरू हो गई थी। तो फ्रेश एंड अप हम लोग भी यहीं हो गए थे कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद, और ड्राइवर का डिनर जब निपट गया तो उसके बाद फिर हम लोग वापस चल दिए आगे की तरफ। सुबह 6 बजते बजते पूरा सूरज अच्छे से चमकने लगा था, धूप गाड़ी में आने लगी थी, और इसके साथ ही शुरू हो गए थे दिखने पहाड़, नदियाँ, पुल एंड ऑल दैट। इसके साथ ही मतलब थोड़ी दूर पर चलते ही ना, फिर दिन निकलने के साथ ही सामने जो दिख रहा है वो फ़ोन पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन पूरी पहाड़ों की चेन नज़र आने लगी थी, जिसमें थे बर्फ़ के पहाड़ भी। और ये था फिर हमारा होटल जहाँ पर हम लोग पहुँचे लगभग 9:30 के करीब। तो ये हमारा 3-स्टार होटल है जो पैकेज हमने लिया है उसके अंतर्गत ये, या इसके अलावा ऐसे 2 आए थे तो हमारे हिस्से में ये आया। और डेकोरेशन मुझे इसकी सच में बहुत अच्छी लगी। ये जो मतलब बैठने का एरिया होता है ना, जहाँ पे आके हम लोग सीधे बैठते हैं, बस वो है डाइनिंग हॉल कह लो या कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर मतलब हर कोने में इन्होंने इतने सुंदर सुंदर, कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा हुआ, और कोई कहना चाहिए डेकोर पीस ऐसा नहीं है जिसे आप कम आंक लो। एक एक चीज़ ऐसी चुन चुन के लगाई हुई है कि मज़ा आ गया डेकोरेशन देख के। अब ये हमारा जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर था, तो 2 जीने चढ़ के, अच्छा जहाँ पर हर जीना टर्न होता था वहाँ पर एक अलग तरीके की डेकोरेशन थी, देखो ये कितनी सुंदर। फिर अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं, ये और सुंदर, इससे ऊपर हम गए नहीं, लेकिन नीचे की तीनों ही शानदार। उसके बाद ये कमरों से बाहर जो दीवारें हैं उन पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई थी यहीं की नेचर की। और उसके बाद फाइनली ये हमारा कमरा है, और ग्रे, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू और वाइट इस तरीके के कलर थे, मतलब अलग सी फील थी इस कमरे की। और फटाफट से जो है रात के चले हुए थे, तो अनपैकिंग एकदम खोल खाल के सब कपड़े वपड़े सब डाल दिए गए कि फटाफट से तैयार होना है और साइट सीइंग के लिए जाना है। तो मैंने क्विकली जो है आपको स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में एक क्लिपिंग शूट की, और फिर हम
लगभग 1 सवा घंटे में ही दोबारा सब तैयार हो आके चल दिए थे। और ये है जी हमारी बाहर की जो बैल्कनी है, छोटी सी हमें मिलेगी इसके अंदर से व्यू। तो शूट करने के बाद मैं फटाफट से नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने आगे से अपनी गुथ वाली चोटी बनाई एक फ्रंट के बालों से, और वैसी ही सेम हेयर स्टाइल में इन दोनों की भी बना रही हूँ। अब ये 1.5 घंटे में सारा काम निपटाया, हम लोग जो दोबारा रेडी हुए हैं। देखो बेटियाँ मेरी कितनी सुंदर हीरोइन लग रही हैं आज, बाल बाल मैंने बना दिए हैं तो। और उसके बाद ये जितना फैलावा है ना ये आके समेटेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा साइट सीइंग के लिए, ताकि हमारे पास दिन का मेजर टाइम रहे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें फिर कई बार शाम को बंद होने लगती हैं या फिर मौसम बिगड़ जाता है एंड ऑल दैट, तो फिर हम लोग निकल लिए। ये हवा की आवाज़ थी जो इतनी ज़बरदस्त चल रही है पहाड़ों पे। इन्होंने एसी नहीं चलाया तो खिड़कियाँ खुली हुई थी। और मौसम की मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्रॉपर गर्मी थी, अगर छाया में खड़े हो तो अच्छा लग रहा है, धूप में खड़े हो गए तो हालत ख़राब थी। और अभी हम सिद्धबली गए थे ना, बस समझ लो एक्शन रिप्ले हो गया। ये चढ़ाई का रास्ता है यहाँ के जो धर्मशाला का वाटरफॉल है उसका, 1.5-2 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई का जीने वाला रास्ता। और जी इतनी धूप इतनी गर्मी की हालत ख़राब, ये लगाओ कि बस सिद्धबली वाला ना एक्शन रिप्ले हो गया, हालत बिल्कुल ख़राब। वो स्किन बर्न हुई भी सही हुई नहीं, दोबारा आज फिर बैंड बज गई। अब आरोही का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था और आराध्या का इसके डैडी ने, तो आरोही को तो मैं ले ला के अंदर पहाड़ पत्थर वत्थर पर चढ़ चढ़ा के बिल्कुल झरने तक ले आई, हमने पैर वैर भी डुबो लिए। इसके डैडी और आराध्या नहीं आए कि जूते ख़राब हो जाएंगे एंड ऑल दैट। हम लोगों ने अपने जूते उतार उतूर के, और आरोही ने तो चप्पल पहन रखी थी, भूल से ही पहनी, लेकिन इसका काम हो गया। फिर हम लोग तो फिर भी झरने तक आए, ये नहीं आ पाए। अब यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, देखो ये पूरा जगह जगह पानी है, और वहीं पर लोग बीच बीच में से रास्ते कट रहे थे, वहीं पर नहाना धोना शुरू किया था। सामने बहुत सुंदर नज़ारा है, लेकिन धूप ने सब सत्यानाश मारा हुआ था। बाद में फिर वही हुआ कि घटा हुई, लेकिन तब जब हमारा चढ़ने उतरने का काम ख़त्म हो गया। खैर ठंडे पानी की बोतल हमारे साथ थी, तो आज अभी तक सिर में दर्द नहीं हुआ था। और यहाँ जगह जगह पर रिफ़्रेशमेंट थे, हालांकि 2 गुना प्राइस पर थे, जो 20 की चीज़ है वो 40 में मिल रही थी यहाँ पर, लेकिन हाँ रिफ़्रेशमेंट था। तो आप ठंडी चीज़ें पीते रहो और चलते रहो, इस हिसाब का था। अब इतने मैं और आरोही झरने पर से वापस आए हैं उतर उतरा के, जैसे तैसे उन पत्थरों पे से टाइम लग गया। तो यहाँ से ये इन्हें जो था मेरे हस्बैंड को झरना इतना दिखाई दे रहा था। देखो बेचारी आराध्या भी और ये भी इतनी पास तक आए और जूतों के चक्कर में आगे नहीं गए। मैंने बोला भी जूते उतार के चले जाते, पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अब उसके बाद फिर जितने मैं आई हूँ, इन लोगों ने अपने आपस में मस्ती की, शूट की, और यहाँ पर अब मैं उतर रही हूँ, आरोही मेरे साथ है, कैमरा मेरे हाथ में है। और जब हम एक साथ सारे मिल गए थे तो फिर यहाँ पर ना रास्ते में एक इस तरीके की पत्थर की झोपड़ी नुमा सी बनी हुई थी, बहुत अच्छी सी लग रही थी, फोटोजेनिक सी। तो यहाँ पर खड़े होने की जगह पर लेकिन रेलिंग नहीं थी, तो हमने बच्चों को नहीं दिया, हमारी दोनों की नहीं हुई, लेकिन हम तीनों तीनों की इस तरीके से हो गई। एक बार फिर पूरा नीचे आके हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। और उसके बाद एक अगला मंदिर था यहाँ पर नाग का, मैं अभी आपको नाम बताती हूँ। इसमें मैंने पढ़ा था भागसु नाग, इसकी कहानी अंदर छपी हुई है, वो फिर मैंने पढ़ी जब जाके मुझे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड नहीं था। अब ये जो है एक दैत्यों के राजा भागसु और शिव जी के जो नाग हैं, समझ लीजिए उनके रूप में यहाँ पर कहानी है पूरी, इस पर्पल वाले पे लिखी हुई है। और मंदिर जो है वो वही लकड़ी के हिसाब के बने हुए, जैसे पहाड़ों में अक्सर रहते हैं ना, सेम वैसे ही मंदिर थे। और मेन जो अंदर शिवलिंग है, जब नागों ने ये सब कहानी पूरी हुई तो उन्होंने अपने आराध्य शिव देवता के रूप में ही आकर यहाँ पर स्वयंभू, मतलब यहाँ पर शिवलिंग है। और ये एक अनोखा सा पेड़ मुझे लगा, बहुत ही सुंदर। अच्छा यहाँ पर इसके कैंपस में यहाँ पर एक स्विमिंग पूल सा है, ये तालाब समझ लो, स्विमिंग पूल ये आर्मी वालों का है। इसका मुझे नहीं समझ में आता, कोई पौराणिक महत्व रहा होगा, लोग यहाँ पर नहा रहे थे, लेकिन ये स्विमिंग पूल सा है, बिल्कुल साफ सुंदर नीला पानी था इसमें। और जी यहाँ पर जो है मे भी कोई पौराणिक महत्व हो, लेकिन मुझे जानकारी नहीं हो पाई। खैर मैंने यहाँ पर मंदिर में दर्शन किए, ये लोग नीचे ही खड़े थे, ये नहीं आए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। और मेन मूर्ति जो थी वो शिवलिंग की थी अंदर, और उसके ऊपर एक बड़ा सा सांप,
तो वो बना हुआ था। अब अगली जो चीज़ थी, मंदिर के दर्शन करने के बाद तुरंत जो हम आए जहाँ पर हमें सच में बहुत अच्छा लगा, वो था यहाँ पर सेंट जॉन चर्च, और उसका यहाँ पर कब्रिस्तान भी बना हुआ है चर्च के बिल्कुल बराबर में। तो इनकी निगाह तो पूरी ग्रेवयार्ड पर ही थी कि देखो मम्मी कब्रिस्तान एंड ऑल दैट, तो इनका ध्यान वहाँ पर था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ का जो माहौल था वो वैसा था कुछ कुछ जो मनाली में हिडिम्बा देवी का जो कैंपस है ना वहाँ का रहता है वैसा। तो बाहर से टेम्परेचर यहाँ पर 2-3 डिग्री कम था, थोड़ी राहत मिल रही थी वहाँ से, हम गर्मी में अभी मरते खपते आए हैं तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर चले, अच्छा चर्च के गेट पे ही साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी मतलब फोटोग्राफी ना करें, तो मैंने चर्च के अंदर की नहीं की, हर जगह मतलब ज़रूरी नहीं होता तो मैंने नहीं की, लेकिन पत्थर की दीवारें थी और लकड़ी की छत थी मैं आपको बताऊं। और बाहर का जो कैंपस है देखो कितना बढ़िया मेंटेन इन्होंने कर रखा है, सीढ़ीदार बना रखा था, फोटो सेशन लो आप, मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और टेम्परेचर कम था क्योंकि जस्ट ये जो ग्रेवयार्ड इनका है इसके नीचे पूरी खाई है और खाई में पूरा पेड़ भरे पड़े हैं मतलब, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ठंडक थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठे, अच्छा मतलब आधा पौना घंटा करीब हमने बिताया यहाँ पर। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ अभी चर्च, जब हम घूम घाम के आए, ये चर्च का फ्रंट है देखो ऐसा था। तो मैंने सरधना का चर्च देखा हुआ है, वो इससे काफ़ी बड़ा और ग्रैंड है, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि चर्च वैसे होते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं, सुंदर था अलग सा था। खैर मैं बच्चों को ले गई और इन्हें अंदर से दिखाया, दिखूंगा चर्च अच्छे से। अब ये बाहर से आउटलुक है और बाहर वही पेड़ हैं चीड़ और देवदार के जो हिडिम्बा देवी के हैं। और यहाँ पर ना चीज़ें भी वही सारी हो रही थी, मतलब आप परंपरागत पोशाकें पहनो पहाड़ों की, याक पे फ़ोटो खिंचवाओ, रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवाओ एंड ऑल दैट, तो वो सब हमने रिपीट करने में कोई इंटरेस्ट हमें नहीं था। बाकी यहाँ पर हम चढ़ रहे थे, इधर उधर घास है देखो, आप देख रहे हो कितने ग्रीनरी है, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था इन पेड़ों के साथ फ़ोटो खिंचवाना, और थोड़ी सी ठंडक सी हमें यहाँ पर मिली। खैर थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे फोटो सेशन किया और बहुत अच्छी आई जो बात है फ़ोटो, एक आध रील भी क्रिएट करने की कोशिश की जबकि मुंह की हालत ख़राब थी पसीने से, लेकिन ठीक है घर जाके देखेंगे उसको क्या हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ हैं तो यहाँ का जो करना है वो पहले निपटा लेते हैं, चेहरा घर जाके देखते हैं कि क्या बिगड़ा और क्या बचा। यहाँ पर मैंने ली फ़ोटो, उसके बाद फिर बाहर आ गए हम लोग चर्च के। अब चर्च के बिल्कुल सामने एक ये इको पार्क था, हम लोग जाते हुए देख के गए थे, तो इसमें ना लकड़ी के पुल थे और जो हिलते थे चलने से, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। ये देखो इको पार्क डिवाइन धर्मशाला ऐसे लिखा हुआ है, और मेन अट्रैक्शन इसका यही था, जब घुसो तो ये एक बड़ा सा कान था और बाद में बाहर निकले तो देखा फेस भी था। डर तो नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है, चलो 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 चलो। इस पार्क में जो है टिकट था लेकिन एडल्ट्स का ही था, और 11 साल से बड़े बच्चों का जो है टिकट लग रहा था, तो इन दोनों का कोई टिकट नहीं लगा, हम दोनों का लगा। और जो मेन अट्रैक्शन था वो यही थे, फ्लोटिंग से लकड़ी के पुल। कई लोग तो मतलब जैसे जो नहीं चढ़ना चाहे उनके लिए नीचे से ऑप्शन था कि वो सीधे चले जाएं, लेकिन हम तो आए ही नहीं पुलों की वजह से थे, तो हम यहाँ पुल पर चढ़े। और उसके बाद 3 ट्री हाउस की तरीके के बने हुए थे, उनमें थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई। इन पुलों पे चलने में ना सच में बहुत मज़ा आया, मैं आपको बताऊँ सच में इंटरेस्टिंग सा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये था वहाँ का खूबसूरत नज़ारा, तो यहाँ पर भी मौसम अच्छा था। टूट जाएगा ये, ज़्यादा नहीं खींचना, इधर देख लो बस अब एक बार। अब ये कुछ पेड़ और भालू वगैरह जो है फ़ोटो खींचने के लिए इन्होंने बाहर की साइड में जो सड़क से दिखते हैं उस साइड में लगाए हुए थे, तो हमने तो खैर पेड़ के साथ ही खिंचवाई फ़ोटो, भालू वगैरह के साथ नहीं खिंचवाई, लेकिन इन लोगों की हमने खींच दी थी। यहाँ पर मिट्टी का सा ये स्टैचू जो है वो लेपर्ड का था, सांप का था, देखो कितना ओरिजिनल सा लग रहा है। तो इन लोग इन स्टैचू के साथ जो है फ़ोटो खिंचवाई, और सबसे एंड में मैंने ट्री हाउस पे खड़े होके
अकेले फोटो खिंचवाई, ये लोग गेट तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर एक भालू था, तो मैंने इन दोनों को बोला कि तुम दोनों माशा हो और ये तुम्हारा बैर। तो इन दोनों ने क्यूट सा पोज बनाया और मतलब इस तरीके से दो चार फोटो जो है, फोटो ही रह जाती हैं और क्या रहेगा। फिर हम लोग बाहर आए तब निगाह पड़ी कि यहाँ गेट पे, अच्छा इसके सामने ना लोग बैठे हुए थे इसलिए निगाह नहीं पड़ी, तब समझ में आया कि फेस यहाँ है और कान अंदर है। तो इसके साथ फोटो खींची, उसके बाद बाहर आके खाया हमने भुना हुआ भुट्टा, और भुट्टा लेके हम लोग सीधे गाड़ी में बैठ गए और चल दिए आगे। कुछ खूबसूरत मतलब रास्तों को पार करके फिर ये आ गई जी हमारी डल लेक। जो यहाँ पर डल लेक है, लेकिन जो गांव में झोड़ नहीं होती, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मछलियाँ थी, काई थी और पानी किसी भी मतलब का था नहीं, ना आप उसमें हाथ डाल सकते ना कुछ नहीं कर सकते, बस ये था जी ये है। अब जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि इसके जो पीछे की साइड आपको दिख रही है ना ग्रीनरी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें आ रहा था देखने में आँखों को सुख। और इसमें मछलियाँ थी तो बबल्स हो रहे थे, जहाँ पर भी बबल्स हैं वहाँ ध्यान से देखो तो मछलियाँ मूव करती हुई नज़र आ रही थी, मछलियाँ भरी पड़ी थी पूरे में इसमें। लेकिन जैसी भी थी ये यहाँ के मेंशनड टूरिस्ट प्लेसेस में थी, देखो यहाँ अच्छा लग रहा है ये, है ना, मरी हुई नहीं है। जहाँ पर बबल्स बन रहे हैं ना वहीं पर देखो ध्यान से तो मछली मूव करती हुई नजर आ रही। इसके बाद जो हमारा अगला काम था वो था हाइकिंग, और हाइकिंग जहाँ से शुरू की थी, धर्मकोट गांव था यहाँ पर ये, और इसके शुरुआत में ही प्राइमरी स्कूल मिल गया यहाँ का, जो यहाँ के मिस गांव का था धर्मकोट का। और फिर यहाँ पर हमें करनी थी हाइकिंग, तो यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर का ये रास्ता था। अब पहले ही वहाँ पर चल के वैसे तो बैटरी ख़त्म हो चुकी थी पैरों की, लेकिन हाइकिंग के नाम पर फिर लग गया कि चलो चलते हैं। और दूसरी चीज़, अब मौसम बिल्कुल अच्छा हो चुका था, बिल्कुल सेम सिद्धबली वाला हुआ कि हम वहाँ चलाए, उसके बाद घटा हो गई, प्रॉपर बादल गरज रहे थे इस टाइम, और बहुत ही इस टाइम सुहावना मौसम था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। खैर चलने के बाद जो पॉइंट हमें दिख रहा था वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं, ये दिखा जहाँ पर खड़े होके काफ़ी हद तक सारा एरिया जो है वो नज़र आ रहा था। तो जितना हो सका मैंने शूट किया, और मेन जो पॉइंट है वो देखो वहाँ है ऊपर, भगवान जाने वहाँ तक कैसे गए हैं लोग। लेकिन हमें इसका कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा, जितना आगे जा रहे थे लग रहा था और दूर होते जा रहे हैं, लगता है लोग इस पर एक्चुअल में पहाड़ के ऊपर हाइकिंग करके ही गए। तो हमें जहाँ पर वो सही सा व्यू नज़र आया हमने वहाँ पर फ़ोटो खींची और फिर हमने वहाँ से वापसी कर दी। अब हम यहाँ पर ना लंगूर भी बहुत थे, दूसरी चीज़ ये थी, अब वापस आके अब लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह से हमने ऐसी पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब चीज़ें खा रहे थे, नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था। तो अब हमने खाई थोड़ी सी मैगी, क्योंकि अब बजने वाले लगभग 6, और फिर हम वहाँ जाके जो हैं सीधे डिनर करेंगे होटल में। तो यहाँ जहाँ हम मैगी के लिए बैठे थे ना, देखो ये बर्फ़ के पहाड़ लगातार दिख रहे हैं, लेकिन ये कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं पेड़ हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं खंभे हैं, अभी भी देखो कितना डिस्टर्बेंस सा लग रहा है। हमें कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आई जहाँ से मैं पूरा अच्छे से शूट कर पाऊँ अभी तक, खैर अभी और दिन बचे हैं, मैं भी कर लूँ। तो यहाँ पर ये खूबसूरत सा नज़ारा था। फिर जब जहाँ पर हाइकिंग बंद हुई ना, वहाँ पर नहीं मन माना तो थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ गई थी पहाड़ पे हरोई को लेके, वहाँ मैंने खिंचवाई ये फ़ोटो, और फिर हम वापस चल दिए अपने होटल की तरफ। अब हम कल रात के निकले हुए हैं देखो, और ड्राइवर के साथ मेरे हस्बैंड तो बराबर जगे हैं, एक बार भी झपकी भी नहीं ली, और मैं सोई थी 5:15 बजे के बाद, लगभग पूरी रात मैं भी जग रही थी, दोनों बच्चे मेरे साथ थे। तो अब हमारा इरादा यह है कि पानी गर्म करके मन आएगा तो नहाएंगे, या फिर हाथ मुँह धो के रिफ़्रेश होके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो इन्होंने तो आके फटाफट हाथ मुँह धोए अपने, जो भी करना था इन्हें, और उसके बाद जैकेटें पहनी, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया था यहाँ पर अब। और जी उसके बाद ये अपना कैरम खेलने लगी, और दूसरी वाली टेबल पर रखी हुई है चेस, और मैं अंदर आ गई कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी में मैंने इनको दी और ख़ुद अपनी कॉफ़ी लेके मैं बाहर बैठ गई। मेरा बेस्ट टाइम होता है अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ों को यूं ही निहारते रहना,
तो मैंने अपने साथ को अकेले मतलब कुछ सुकून के पल बिताए। और यहाँ से ये बर्फ के पहाड़ कैमरा भले नहीं पकड़ पा रहा लेकिन मुझे अच्छे से नज़र आ रहे थे, मैं इन्हें निहार रही थी, खूब अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से सारा थोड़ा सा मतलब अड़चन सी आ रही थी। खैर शाम की कॉफ़ी जो है वो मेरी बड़ी सुकून भरी रही, मुझे मतलब आज के दिन का कहूँ तो बेस्ट मोमेंट था ये। और उसके बाद फिर हम लोग रात के डिनर का वेट करने लगे। उससे पहले अभी हमारे पास थे 1.5-2 घंटे और डिनर जो है वो कम से कम 8:30 लगेगा, तो थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो सुबह रह गई थी 1-2 चीज़ें उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की। ये सब हमारे कमरे के बाहर सब कुछ पेंट हुआ हुआ है, कुछ लोगों ने घर पे मतलब अपने रूम में अलग से ऑर्डर किए हुए थे वो आ गए। और ये खेल रही हैं जी यहाँ पर चेस। अब मैं आपको बताऊं आता नहीं है चेस खेलना, लेकिन अपने हिसाब से रूल बना के पता ही नहीं कैसे खेल रही थी, भगवान जाने। मुझे भी सिखा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये लगी रही इसमें खैर आधा पौना घंटा। और जैसे ही शाम हो रही है ना, देखो मतलब आसमान में कम से कम 6 रंग थे ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर बिल्कुल डार्क ग्रे से शुरू होकर नीचे लाल, उसके बाद फिर मुझे कैरम आता था तो मैंने शुरू किया इनके साथ कैरम खेलना। मेरे साथ आरोही खेली, आराध्या का मन नहीं था कैरम का, तो मैं और आरोही जो है वो हमने 1-2 गेम खेले कैरम के। लेकिन सोच के ही आई थी कि अब से जो भी है ब्रेक मतलब सारा टाइम जो है वो कुछ अलग तरीके से बिताना है। तो यूजुअली मैं बच्चों के साथ इतना नहीं खेल पाती कि बहुत ज़्यादा मैं इनके साथ गेम खेल पाऊँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जब भी अभी मौका लगता है। तो कहाँ ही ऐसा टाइम मिल रहा है, और अव्वल तो इन्होंने सारी गोटियाँ ही खो देती हैं ये आने के 10-15 दिन में ही, तो कुछ बचता ही नहीं। खैर ये सब खेला, उसके बाद हम लोगों ने देखा टीवी, और टीवी में भी चल रही है टॉम एंड जेरी की मूवी जो यूजुअल में मुझे देखने को नहीं मिलती। अब लगभग 8:45-9 बजे के करीब आ गया था जी फोन के नीचे से कि आप आ जाओ बुफे लग गया है। तो हम लोग आए, ये डाइनिंग एरिया में थोड़ी डेकोरेशन की हुई है वो मैंने शूट की। और खाने में थी ये तंदूरी रोटी, सादी भी थी बटर वाली भी थी, और जी अब आइटम क्या था, एक ये तो खाली रखा है पापड़, और दाल चावल थे अरड़ की दाल और चावल अगर किसी को खाने हो। इसके अलावा थी जी पनीर की सब्जी थी है ना, और जो मिक्स वेज थी ये थी, उसके साथ सैलेड वगैरह था। तो ये था जी हमारा डिनर। तो जो जिसको अच्छा लगा, तो आरोही ने तो मेन दाल चावल से ही पेट भरा, हम लोगों ने लिए थे अपना रोटी, मेरे को मतलब चावल कम पसंद है तो रोटी और सब्जी ये सब चीज़ें हमने खाई। 9:30 बज गए हैं, यहाँ पर हमारा दिन भी ख़त्म होता है और ब्लॉग भी। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जाएंगे डलहौजी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज़।